हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 में दोस्तों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। दोस्तों ये तीन सम दोस्तों इस वीडियो में इंक्लूड किया है दोस्तों, तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों हर एक चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों को बताना चाहूंगा, एक्सरसाइज 12.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूं, पहले वो समझ लीजिए उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो यहां पर दोस्तों आपके सामने देखिए कुछ चीजें दिया हुआ है कि कॉर्ड क्या होता है। पहले भी आपको समझा चुका हूं कॉर्ड और डायमीटर में डिफरेंस क्या है, तो आपको यहां पर फिर से बता देता हूं मैं। देखिए दोस्तों, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट में से कोई लाइन पास होगा इस तरह से अगर, तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। लेकिन सेंटर पॉइंट के कोई अलग हो, मतलब सेंटर पॉइंट में लाइन पास ना हो, कहीं और से पास होता है, जैसे दोस्तों यहां पर देखिए ये लाइन पास हुआ है, इसे हम कॉर्ड कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कॉर्ड आप समझ चुके हो और डायमीटर क्या है ये भी आप समझ चुके हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं माइनर आर्क क्या होता है। तो यहां पर दोस्तों देखिए, सेमी सर्कल से अगर नीचे हो, अगर जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहां से इतना जो पोर्शन जो है, इतना जो पार्ट जो है, उसे कहेंगे माइनर आर्क कहेंगे, क्योंकि सेमी सर्कल के नीचे है, राइट। अब देखिए दोस्तों, ये तो बन गया, इसके ऊपर जो हिस्सा होगा उसे कहेंगे मेजर आर्क कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आप सीख चुके हो माइनर आर्क क्या होता है और मेजर आर्क क्या होता है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दोस्तों माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या होता है। यहां पर देखिए, यहां पर आपको मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर दिया, राइट। तो यहां पर तो ध्यान रखना होगा आपको सेमी सर्कल, राइट, सेमी सर्कल के नीचे जो सेक्टर बनेगा उसे कहेंगे माइनर सेक्टर और उसके ऊपर जो होगा उसे कहेंगे मेजर सेक्टर कहेंगे, राइट। तो यहां पर आपको पता करना है कि भाई किस तरह से निकाला जाए, फॉर्मूला क्या होगा, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज में जब सम करेंगे हम लोग तो हर एक चीज डिटेल में सिखाऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किस तरह से फॉर्मूला डिराइव करते हैं ये भी सिखा के जाऊंगा। सिर्फ आप यहां पर कंसेप्ट क्लिक कर लीजिए कि माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सिखा चुका हूं मैं माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का डिफरेंस क्या है। अब देखें यहां पर दोस्तों माइनर सेगमेंट क्या होगा, और माइनर सेगमेंट तो पता चल जाएगा आपको फिगर देख के, और मेजर सेगमेंट दोस्तों उसके ऊपर होगा, राइट। तो यहां पर दोस्तों देखिए, ये लाइन यहां पर है तो इसके नीचे, यहां पर दोस्तों सेमी सर्कल देखिए, यहां पर देखिए ये सेंटर पॉइंट है तो सेमी सर्कल के नीचे, राइट। तो ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 12.2 में सम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सम आपके सामने दिया है दोस्तों, यहां पर दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। देखिए दोस्तों कुछ समझाना चाहता हूं, कभी भी आपको यहां पर ऐसे पूछे जाए कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालो तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आता है माइनर सेक्टर है या मेजर सेक्टर है। तो आपको इतना क्लियर कर दूं, आपको बोला जाएगा मेजर सेक्टर निकालना हो तो बोला जाएगा फाइंड द मेजर सेक्टर। मतलब यह है कि कभी भी आपको कुछ मेंशन ना करे, सिर्फ इतना पूछा जाए फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपको दिमाग लगाना है माइनर सेक्टर का ही क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर आगे दिया है, देखिए रेडियस ये 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है, और यहां पर सेक्टर दोस्तों यहां पर 60 डिग्री का है, राइट। तो सबसे पहले यहां पर फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, उससे पहले आपको डायग्राम से समझाता हूं दोस्तों किस तरह से फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, राइट। तो सेंटर पॉइंट ये है, ये देखिए ये सेक्टर बन गया, और ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 6 सेंटीमीटर का रेडियस और ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, आप समझिए, ये एरिया ऑफ सर्कल से हो रहा है सब कुछ, तो ये सेक्टर दोस्तों 60 डिग्री है, पूरा सेक्टर क्या होगा आपका, पूरा थीटा क्या होगा दोस्तों, 360 डिग्री का होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं एरिया ऑफ ए सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री, राइट। किस में से हो रहा है दोस्तों, एरिया ऑफ सर्कल में से हो रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो गया, और थीटा यहां पर दिया हुआ 60 डिग्री, तो यहां पर दोस्तों 60 डिग्री लिखेंगे हम लोग, ये 360 डिग्री यहां पर आ गया, मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू नहीं बोला जाए और कोई मेंशन ना करे तो आपको क्या करना है, 22/7 ही लेना है। तो यहां पर दोस्तों 22/7 लिख लिया मैंने, रेडियस आपको यहां पर दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6 ये हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए ये देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, तो 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36 हो गया, और ये 6 कैंसिल हो गया। अब देखिए कुछ कैंसिल होगा कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 6 × 2 = 12, तो यहां पर 2 carry 1 यहां पर आ गया, 6 × 2 = 12, 12 + 1 = 13, तो यहां पर 1 3 2 हो गया, और नीचे 7, तो दोस्तों ये 7 हो गया, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर लिख दीजिए, हो गया आंसर, इतना ही करना है। अब दिमाग में ये आएगा कि इसको और डेसिमल में लाना है, डेसिमल
छोड़ने लगाने की कोई जरूरत नहीं, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आपको सिखाने जा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 सिखाने जा रहा हूं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर टू में दोस्तों क्या दिया है, क्वाड्रेंट दिया है। ये क्वाड्रेंट क्या होता है, अभी हमने सेक्टर सीखा, ये क्वाड्रेंट क्या है, क्या डिफरेंस है, तो आपको बता दो सिंपल डिफरेंस दोस्तों थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे हम 90 डिग्री लिखेंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कंसेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ क्वाड्रेंट एक्चुअली होता क्या है। देखिए 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, आपने ग्राफ में पढ़ा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो पढ़ा होगा, तो आपका वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस जब मिलते हैं तो ये क्वाड्रेंट फॉर्म होता है, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों ये पूरे प्लेन को इन्होंने क्या किया 90 डिग्री में डिवाइड कर लिया इस तरह से, तब ये क्या बन गया, क्वाड्रेंट बन गया। तो उसी तरह दोस्तों सर्कल के अंदर भी होता है, जैसे कि एग्जांपल इस तरह सर्कल बना यहां पर और इसको ऐसे मैंने पार्ट बना लिया, मैंने इस तरह से तोड़ दिया, मैंने 90 डिग्री फॉर्म होता है सबके अंदर। ठीक है, तो ये पार्ट क्या होगा आपका, क्या होगा, क्वाड्रेंट होगा। क्या होगा दोस्तों, क्वाड्रेंट होगा। क्लियर, अब इस क्वाड्रेंट के कंसेप्ट को समझोगे, फॉर्मूला किस तरह ड्राइव करना है, तो आप खुद बताइए कि ये वाले पार्ट को क्या कहा जाता है सर्कल का, 1/4 कहा जाता है, राइट। तो ये 1/4 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल है, फॉर्मूला बन गया दोस्तों। फॉर्मूला ये है दोस्तों, यहां लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4 पार्ट ऑफ ए एरिया ऑफ सर्कल, तो यहां पे मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर तो सेक्टर के फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके भी आंसर निकाल सकते हो, जैसे कि एग्जाम में समझाना चाहूंगा दोस्तों या इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ऐसा लिखते हैं थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये क्या है दोस्तों, सेक्टर का फॉर्मूला है, इसके अंदर भी आंसर निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों थीटा के अंदर क्या लिखोगे, 90 डिग्री लिखोगे, तो यहां पर 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर 90 वन जा और 90 यहां पर 4 जा, 1/4 आ गया, देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हर एक चीज सिखाना चाहता हूं दोस्तों, जिससे दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर रहे और इतना परफेक्ट बन जाओ कि बिना सिली मिस्टेक के आप एग्जाम के अंदर पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर 1/4 लिखा मैंने, पाई की वैल्यू 22/7 दिया है, रेडियस दिया ही नहीं, लेकिन रेडियस के लिए दोस्तों यहां पर हिंट दिया है, यहां पर सर्कमफ्रेंस दिया है, इस सर्कमफ्रेंस की मदद से हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो यहां पर दोस्तों लिखने जा रहा हूं, देखिए यहां पर c इक्वल टू, यहां पर फॉर्मूला होगा सर्कमफ्रेंस का 2πr होगा, राइट। तो यहां पर सर्कमफ्रेंस दिया है 22 दिया है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, यहां पर नहीं पता तो मत लिखिए। अब दोस्तों इसके नीचे 1 तो होता ही, राइट, तो यहां पर जो भी नंबर है उधर जाएगा, इक्वल टू के बाहर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों 22 लिखा मैंने, ये 2/1 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 22/7 7/22 में हो जाएगा, राइट। तो आप देखिए इसको आप कैंसिल कीजिए, तो इसको कैंसिल करता हूं तो 22 कैंसिल हो गया, 7/2 मतलब r इक्वल टू क्या हो गया, 7/2 हो गया। तो यहां पर दोस्तों आपको डेसिमल में लाने की कोई जरूरत नहीं है, 3.5 आएगा, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे भी आंसर निकल जाएगा। तो यहां पर देखिए हम लिखेंगे 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। अब यहां पर कुछ कैंसिल होता तो देख लीजिए, यहां पर कैंसिल करने जा रहा हूं, यहां पर देखिए यहां पर 2 2 जा 4 और 2 11 जा हो गया। अब ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, तो 11 7 जा कितना होगा, 77 होगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यहां पर ये आ गया। और दोस्तों यहां पर सिर्फ आपको सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है और आपका आंसर आ गया, मतलब एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट दोस्तों 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया और ये सम भी आपको इजीली समझ में आ गया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों यहां पर दोस्तों आपको अमेजिंग चीज पता चलेगा कि दोस्तों आप डेली जो यूज करते हो, क्लॉक जो यूज करते है, उसी के अंदर भी दोस्तों मैथ छुपा हुआ है। क्योंकि दोस्तों वो जो यहां पर कांटा होता है, मिनट सेकंड जो कांटा होता है, वो क्या होता है दोस्तों, वो रेडियस होता है, क्योंकि जहां पर कनेक्ट होता है वो सेंटर पॉइंट होता है, राइट। तो ये भी मैथ है दोस्तों, कैसा लगा दोस्तों ये अमेजिंग फैक्ट, आप जरूर बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों को बताना चाहूंगा, देखिए इस तरह से ये क्लॉक बनाया मैंने, ठीक है, सेंटर पॉइंट यहां से है, यहां पर बोला गया द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर, राइट। तो मिनट हैंड दोस्तों यहां पर 14 सेंटीमीटर का है, जो कि रेडियस का काम कर दिया है। ठीक है, अब आगे बोला है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट हुआ है, मतलब 5 मिनट स्वेप्ट हुआ है, मतलब कुछ समझिए इस तरह से स्वेप्ट हुआ है, तो आपको यह बताना है कि ये एरिया कितना है। तो इस एरिया को क्या कहेंगे दोस्तों, सेक्टर कहेंगे, क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। और सेक्टर में कौन सा, मेजर या माइनर, ये कहेंगे दोस्तों सेक्टर में, यहां पे कहेंगे माइनर सेक्टर, क्या कहेंगे दोस्तों, माइनर सेक्टर।
क्लियर है। माइनस सेक्टर का फॉर्मूला पता है आपको, क्या फॉर्मूला है दोस्तों, यहां पर लिखेंगे कि थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय दोस्तों पाई आर स्क्वायर, ये होता है। लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन में दिया जाए, जैसे यहां पर दिया है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट एंड इन 5 मिनट्स, तो यही लिख दीजिए। अब यहां पर ये मत लिखिए कि एरिया ऑफ सेक्टर, जो दिया है वही इंफॉर्मेशन यहां पर लिख दीजिए। तो यहां पर लिखता हूं दोस्तों, मैं लिखता हूं यहां पर कि एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ठीक है, इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। दोस्तों यहां पर रेडियस तो दिया है, थीटा दिया नहीं है, थीटा कैसे फाइंड करोगे? तो आपको सिंपल फॉर्मूला बताना चाह रहा हूं दोस्तों, जिससे दोस्तों ऐसे सम अगर कई तरीके से पूछा जाए, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, तो आप इजिली फाइंड कर पाओगे। कैसे, आइए आपको बताता हूं। देखिए यहां पर आप समझिए कि ये अगर यहां पर कांटा घूम रहा है और पूरा गोल घूम जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, पूरा सर्कल बनेगा, और पूरे सर्कल का डिग्री कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है, राइट। तो यहां पर एक कॉलम बना लेता हूं थीटा, और यहां पर दोस्तों मिनट बना लेता हूं, मैं यहां पर मिनट बना लेता हूं, ठीक है, ये हो गया, जाइए उसको अच्छे से लिख लेता हूं मैं यहां पर, ये रहा मिनट, ठीक है। तो यहां पर जो 360 डिग्री लिखा मैंने और यहां पर 60 मिनट लिखा, अब हमें क्या करना है दोस्तों, 1 मिनट का फाइंड कर लेना है, ठीक है। यहां पर भले ही 5 मिनट दिया है, लेकिन मैं 1 मिनट का फाइंड करता हूं, क्योंकि आपको समझाना है मुझे कि 5 मिनट की जगह अगर 10 मिनट, 20 मिनट कुछ भी पूछा जाए तो कैसे इजीली फाइंड कर पाओगे। तो देखिए यहां पर लिखता हूं मैं 1 मिनट, लिखता हूं यहां पर क्वेश्चन मार्क, ये यहां पर मल्टीप्लाई, यहां पर डिवाइड। तो दोस्तों 1 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, राइट। तो यहां पर जो सिंपल फॉर्म करूंगा, यहां पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, मतलब यहां पर क्या होगा, 6 डिग्री आ गया, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। तो यहां पर 5 मिनट बोला है तो क्या होगा दोस्तों, 5 6 30 मिनट्स, 30 डिग्री, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा दोस्तों, 30 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर क्या होगा, यहां पर थीटा दिया है, तो यहां पर जो थीटा की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां पर 30 डिग्री लिखेंगे, तो यहां पर 30 डिग्री लिखूंगा और यहां पर 360 डिग्री मल्टीप्लाई, पाई का वैल्यू क्या है दोस्तों, कुछ बोला नहीं है, तो 22/7, रेडियस आपको दिया है यहां पर 14 मल्टीप्लाई 14 लिख लिया मैंने। अब यहां पर सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, देखिए 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, यहां पर 7 2 जा 14, यहां पर 2 1 जा 2, यहां पर 2 6 जा 12, और भी कैंसिल होगा, देखिए यहां पर 2 3 जा 6 और यहां पर 2 7 जा 14। अब देखिए कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो सिंपल मल्टीप्लाई करके यहां पर फाइनल आंसर निकाल लीजिए। तो यहां पर दोस्तों 7 2 जा, यहां पर 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 3, तो यहां पर 7 2 जा 14, 4 कैरी 1 हो गया, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में जो भी आपको सम कराया मैंने आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप लिख के बताइए, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।